नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, देखिए पौधा सेब का पौधा है। इसे आप अपने छत में, गार्डन में लगा सकते हैं, पोट में लगा सकते हैं, कैरी बैग में लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या खाद डालना है, क्या क्या मिट्टी का यूज करना है, कैसे इस प्लांट्स को लगाना है और कब कब इसमें फल आता है। दोस्तों, HR99 आना एप्पल, गोल्डन डोरिस्ट एप्पल का 3 प्लांट्स है। दोस्तों, इसे आप गर्मी के सीजन में लगाइए एवं गर्म जगह में लगाइए, ये बहुत सारे फल ग्रोथ करेंगे। दोस्तों आप ठंड की जगह छोड़ दीजिए, आप गर्म जगह में भी अपने घर में आप एप्पल उगाइए। 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में भी आप अपने घर के गार्डन में आराम से सेब उगा सकते हैं। उसका प्रजाति N99 है, उसके बारे में मैं आपको केयर टिप्स बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, यह N99 हरा कलर का सेब है, यह गर्म जगह में आसानी से उगता है और बहुत सारे फल आते हैं। उसका मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ, क्या क्या दोस्तों इसमें खाद डालना है, समय समय पर क्या क्या कीटनाशक फंगस का उपयोग करना और क्या क्या कैसे कैसे इसका ट्रेनिंग सिस्टम करना और पानी डालना है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोगों को इसलिए करने बोल रहा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगा और आप उस वीडियो के बारे में आसानी से जान पाएंगे और देख पाएंगे। दोस्तों बीज के द्वारा सेब तैयार किया हुआ पौधा में फल आने में बहुत टाइम लगता है। जितने भी प्लांट्स हैं मेरे पास, अब हमने इसे ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया हुआ प्लांट्स है। दोस्तों यह प्लांट्स आपको 9 से 12 महीने में फल देने लगेगा। दोस्तों इस प्लांट को केयर करना बहुत ही कम मात्रा में आप केयर कर सकते हैं, अपने घर में अच्छे से सेब का उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों गमले में लगा कर या 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में भीषण गर्मी में भी अच्छे से अच्छे इसमें फल आएंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो इस आपको वीडियो बनाकर शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों इसको किस मिट्टी में लगाना है और क्या क्या खाद डालना है और कितनी कितनी मात्रा में देना है दोस्तों, तो मैं इसका चलिए आपको वीडियो बनाकर दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों यह हमारे सेब का पौधा है, बहुत ही सुंदर इसमें हरे रंग का सेब आपको गर्मी के सीजन में प्राप्त होगा। और जितने भी प्लांट्स है दोस्तों, ये सब ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट्स है। दोस्तों हमारे पास 3 प्रकार के प्लांट्स हैं। दोस्तों HR99 एक्शन सोल्ट गोल्डन सुनचो, जिसमें सबसे अच्छा हम लोगों ने HR99 को लगाया और अच्छे से हम लोगों ने रिजल्ट पाया है और बहुत सारे सेब भी हमने गमले में उत्पादन करके आप लोगों को दिखाया। दोस्तों इसलिए आप HR99 पौधा अपने घर के गार्डन या पोट में ज़रूर लगाएं, जहां गर्म जगह है वहां हरे सेब का उत्पादन बहुत ही अच्छी तरह से होगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों हमारे इस छोटे से गमले में अभी आपको फूल साफ दिखाई देगा, इतने छोटे से प्लांट्स में कितने सारे फूल आए हुए हैं आपको साफ इसमें दिखाई देंगे। दोस्तों उस देखिए दोस्तों, एक इतना छोटा सा प्लांट्स है, इसमें सेब में आपका फूल साफ दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही कम समय में ग्रो किया हुआ, ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा है। दोस्तों आप किस मिट्टी में लगाना है, मैं आपको मिट्टी बनाकर दिखाने जा रहा हूँ कि आपको किस मिट्टी में इस प्लांट्स को लगाना है। दोस्तों देखिए, दोस्तों सर्वप्रथम आप पुराने गमले का मिट्टी ले लीजिए एक गमला, उसके बाद दोस्तों यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटामियम से भरपूर रहता है। दोस्तों एक उसके बाद दोस्तों देखिए, यह गोबर का खाद है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है। उसके बाद दोस्तों यह है हम लोगों का राख, जिसमें कैल्शियम पोटासियम पाया जाता है, यह जैविक उर्वरक का काम करता है। इन चारों को आप अच्छी तरह से मिट्टी में डालकर मिश्रण तैयार कर हम लोग दोस्तों मिट्टी तैयार करते हैं और पौधे के पोषक तत्व को बढ़ाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर का खाद या राख, तीनों को मिलाकर जिस पौधे में पोषक तत्व की मात्रा प्रचुर रहेगी उस पौधे का ग्रोथ ज़्यादा होगा, फल ज़्यादा आएंगे, कलियाँ ज़्यादा आएंगे। दोस्तों इन सब तीनों को मिश्रण से अच्छी तरह तैयार कर हम लोग गमले का मिट्टी बनाते हैं। दोस्तों इन तीनों फर्टिलाइज़र में गजब का आपका पोषक तत्व मौजूद रहता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने के कारण आपके जो भी प्लांट्स इसमें लगते हैं उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पोषक तत्व बढ़ते हैं, कलियाँ ज़्यादा आती है, फूल ज़्यादा आते हैं। दोस्तों ये मेरा 6 इंच का छोटा सा गमला है जिसमें हम लोगों ने ग्राफ्टिंग किया हुआ एप्पल का सेब लगाया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको बड़े गमले में डाल देते हैं। बड़े गमले में डालने से ये होगा कि इसकी रूट्स बहुत जल्दी विकसित होती है और
दोस्तों इसमें बहुत सारे फल आएंगे, फूल आएंगे, इसलिए इसे बड़े गमले रिपोर्ट करके आपको दोस्तों 21 से लेकर 32 इंच का गमले में आप सेव का प्लांट्स को लगाइए, इसमें अच्छे से फूल आएंगे, फल आएंगे दोस्तों। या हम लोगों ने गमला देखिए दोस्तों, 21 से लेकर 32 इंच का गमला है, उसमें हमने सेव के प्लांट्स को लगाया है, जिससे यह होगा दोस्तों आप इसे प्लास्टिक या मिट्टी की गमला किसी में भी लगा सकते हैं। और इसका ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा से रखना होगा, ड्रेनिंग सिस्टम आपका सही नहीं रहेगा तो आपका पेड़ सड़ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग पानी डालते हैं, उसका ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ड्रेनिंग सिस्टम इसलिए क्योंकि इसमें फल फूल ज़्यादा आएंगे तो अच्छे से लगेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा प्लांट्स देखिए, या 9 महीने के बाद इतना सारा प्लांट्स में ग्रोथ किया है, उसके बाद इसमें हम लोगों ने स्प्रे किया हुआ है दोस्तों, फल आने का पहले हम लोगों ने इसमें स्प्रे किया। और क्या क्या खाद डाला है मैं उसकी आपकी मात्रा दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यह गोबर का खाद है, 200 ग्राम हमने गोबर का खाद लिया। उसके बाद दोस्तों देखिए बोन मील मछली के चूड़े से बना हुआ खाद है, इसका हम लोग 4 चम्मच लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए यह बर्मी कंपोस्ट खाद है, जो केचुए की खाद से बना हुआ है, इसका भी हम लोग 4 चम्मच लेते हैं और अच्छी तरह से उसमें डालकर मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यह समुद्री जल से बना सीविट खाद है, समुद्री जल के घास से बना सीविट खाद है, इसका आप 2 चम्मच लीजिए और इसमें मिक्स कर दीजिए दोस्तों। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग बर्मी कंपोस्ट खाद के साथ डालकर इसका जड़ में डालते हैं। उसके बाद दोस्तों फल आने का पहले हम लोग प्लानोफिक्स की 1 लीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर इसमें छिड़काव करते हैं। यह छिड़काव आपको महीने में 2 बार करना है दोस्तों, फल आने के पहले करिए या फल आने के बाद। मार्च जनवरी के सीजन में आप इसमें स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि आपको फरवरी में फूल आने लगेंगे दोस्तों, इससे अच्छी तरह से फूल आएंगे। स्प्रे करने से ये होगा कि इसमें जो भी फूल आएंगे वो गिरेंगे नहीं, ताना शाखाएँ मोटी होंगी दोस्तों। आपको जनवरी से फरवरी के बीच में इसमें डाल देना चाहिए, क्योंकि उस समय जब फूल आएंगे तो पत्ते के लिए पोषक तत्व चाहिए, अगर पोषक तत्व मौजूद नहीं रहेंगे तो आपको जितने भी फूल आएंगे दोस्तों वह गिर जाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमने फरवरी के शुरू मंथ में कितने सारे एप्पल के फूल आपको साफ नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप इसका छिड़काव जनवरी के लास्ट में करिए। और जब फूल आ जाएँ, जब थोड़े थोड़े फल का आकार बड़ा होने लगे, तब इसका प्लानोफिक्स का दूसरा स्प्रे आपको कर देना है। स्प्रे करने से ये होगा दोस्तों आपको जितने भी फूल आएंगे अच्छी तरह से ग्रोथ होंगे, इसमें फल ज़्यादा आएंगे, पेड़ मजबूत रहेगा दोस्तों, इसलिए इसका स्प्रे आपको 1 महीने अंतराल में करिए, आपके भी प्लांट्स में गजब के फ्लावरिंग आएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके रूट्स में कितने सारे फूल आए थे, अब फल बनना सब तैयार कर हो गए हैं दोस्तों। देखिए मार्च के अंत तक आते आते इसमें फूल जो थे फल के रूप में कन्वर्ट होकर आपके गुच्छे के समान बड़े बड़े दिख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग फफूंदी नाशक के लिए हेक्सागोनल और नीम ऑयल का 4 बूंद मिलाकर इन दोनों को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर डालने से ये होगा कि जब इसके फूल फल में कन्वर्ट होते हैं तो इस समय बहुत सारे कीट मकोड़े फंगस लगते हैं, जो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएंगे। जब आपका पौधा निरोग रहेगा तो निरोग पौधे में गजब टाइप का फूल आता है दोस्तों, फल ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं। आप भी ये सब टिप्स अपनाएं और आपके देखिए कितने सारे एप्पल्स आपको गुच्छे गुच्छे में साफ नज़र आ रहे हैं दोस्तों। यह फल मेरा 1 साल के बाद आपको सेव कंप्लीट दिखाई दे रहा है, इस पेड़ में गुच्छे गुच्छे इतने सारे एप्पल आपको साफ दिख रहे हैं, जो ग्रीन कलर के हैं। यह गर्मी के सीजन में तैयार होने वाला एप्पल है दोस्तों। प्लांट्स मुझे 1 साल के बाद इस तरह से फल दे रहा है दोस्तों, तो मेरे बताए हुए टिप्स को आप भी अपनाएं, आपके भी सेब के पौधे में मेरे पौधे की तरह फल ज़्यादा आएंगे दोस्तों और फल का आकार बड़ा होगा। और दोस्तों सबसे खास बात, इसके पानी नाम मात्र का डालना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। ज़्यादा पानी डालने से आपका जो फूल जब फल के रूप में कन्वर्ट होगा तो सब गिर जाएगा दोस्तों। आप भी मेरे बताए हुए टिप्स को अपनाएं, आपके भी सेब के पौधे में इस गुच्छे गुच्छे समान सेव फल दिखाई देंगे साहब। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे बताए हुए टिप्स को आप भी अपनाइए, आपके भी सेब के प्लांट्स में बहुत सारे फल आएंगे। या गर्मी के सीजन में फल देने वाला है दोस्तों, या गर्म जलवायु में अच्छी से ग्रोथ करने वाला एप्पल का पौधा है दोस्तों, HR99। इसे आप ज़रूर नर्सरी से खरीदें और अपने घर के गार्डन में लगाएं, और बहुत सारे सेब आपका घर में भी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों।
इसको लगाना है, केयर करना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में नए किसी पेड़ के साथ, किसी नए पेड़ की इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि आप मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी पेड़ की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय, टाटा। आप भी अपने प्लांट्स एप्पल ट्री लगाइए अपने घर में, और मेरे प्लांट्स की तरह आप भी फल खाइए घर में से दोस्तों।